ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बता दूं, ऑलमोस्ट तुम्हारा चैप्टर खत्म है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसमें बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं तुम्हें बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ, बट मैं बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करा नहीं सकता। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिलाई ऑन योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुक्स मैंने शेयर करी हुई है, डीपीपीज मैंने काफी दे दी है, बोलोगे तो और दे दूंगा। ठीक है, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। पुराना कुछ भी छूट ना पाए, मतलब जो जो पढ़ाता जा रहा हूँ ना उसको प्रैक्टिस करते जाओ। जब भी टाइम मिले 10 5 10 5 क्वेश्चंस कीप ऑन डूइंग रेगुलरली। ठीक है, आज एक टॉपिक है, थोड़ा सा बता दे रहा मैंने ऑल्दो मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ वो टॉपिक, बट आज फिर से पढ़ाऊंगा बिकॉज तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई एम होपिंग किसी को याद नहीं होगी वो चीज, शायद ही किसी को याद हो। ठीक है, तो वैसे तो रिविजन ही कराऊंगा क्वेश्चंस में। देयर आर सम क्वेश्चन, सम गुड क्वेश्चन टुडे, आई गॉट सम 7 और 8 गुड क्वेश्चन। उसके अलावा एक चीज है जो तुम्हें पढ़नी थी, मैंने लास्ट क्लास में नहीं, जब कैपेसिटर्स पढ़ा रहा था, देन आई टोल्ड यू अबाउट दिस। मैंने इसके बारे में तब तुम्हें पढ़ाया था, आरसी सर्किट्स पढ़ाया था, याद है? इसकी एक रिकॉर्डिंग भी है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, याद है यस किसी को? एनीवन? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, हाय पीयूष, याद है कि उसको पढ़ाया था ना मैंने? ये यस सर, पढ़ाना। टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो उसको हम लोग ने तब बहुत डेप्थ में बात नहीं करी थी बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था तुम्हारा फ्यूज उड़ रहा है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता के उसको स्किप करा दिया था। बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज आरसी सर्किट्स वेरी वेल। ऐसा इसलिए बिकॉज अभी तुम्हें पता है, नाउ यू नो व्हाट द किरचॉफ लॉ इज, तो तुम्हें चीजें समझने में थोड़ी इजी रहेगी। तो लेट्स राइट द हेडिंग फॉर द आरसी सर्किट्स। अच्छा, व्हाट आरसी स्टैंड्स फॉर, एनीवन कोई गेस करना रेजिस्टेंस चाहे? एंड कैपेसिटेंस। हाँ, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स। सो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स, इफ देयर आर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स इन अ सर्किट, वी कॉल इट आरसी सर्किट्स। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक चीज बोलना चाहूंगा। इफ यू रिकॉल, मैंने तुम्हें दो पॉइंट्स लिखाए थे आरसी सर्किट से रिलेटेड। क्या पॉइंट्स है, किसी को याद है? एक तो लिखाया था स्टेडी स्टेट में क्या होता है, और एक लिखा था तुम्हें इनिशियल स्टेट में क्या होता है, याद है? इसको इनिशियल के ऊपर लिखता हूँ, किसी को याद है? इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट बताई थी मैंने, अर्शी याद है? नहीं है, नहीं याद है भी बोल सकते हो, देखो मेरे को पता है इसलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज फिर से क्यों पढ़ाता। जब भी आरसी सर्किट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं दे है देना सर, आरसी सर्किट, होंगे इसमें पोटेंशियल मान लो इसका वी है, वी नॉट मान लेते हैं, वी नॉट बिकॉज फिक्स पोटेंशियल मान लेते हैं, इसका अपन वी नॉट पोटेंशियल मान लेते हैं, इसका आर रेजिस्टेंस मान लेते हैं या आर नॉट मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस मान कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी नॉट। नॉट मतलब फिक्स चीज है, मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ, नॉट से और कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जैसे मान लो मेरा एक सर्किट है ए बी सी एंड लेट्स से डी। ठीक है, दिस इज अ सर्किट दैट वी हैव टुडे। सो इफ यू रिकॉल, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब भी हम आरसी सर्किट स्टडी करते हैं तो इनिशियल स्टेट में जो होता है कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटर्स बिहेव एज, बताया था, बिहेव एज क्लोज सर्किट या शॉर्ट सर्किट, याद है? यस सर। नहीं है, किसी को नहीं याद है? मैंने ऐसा बोला था कि जब बहुत इनिशियल इनिशियली जो होता है वो सर्किट कैसा बिहेव करता है, आरसी सर्किट में जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव होता है। मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे कि जब भी तुम्हें ऐसा बोला जाए तो तुम क्या करना, इसको ऐसे शॉर्ट कर देना इनिशियल टाइम में, तुमसे तुरंत करंट पूछा जाए तो कैपेसिटर को एज अ वायर तुरंत जोड़ देना, शॉर्ट सर्किट कर देना। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि स्टेडी स्टेट में, मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, व्हेन सर्किट गॉट इनफ टाइम टू कम ऑन टू अचीव दैट स्टेडी स्टेट, जब कोई भी और सडन चेंजेस नहीं हो रहे हो, इन दैट केस कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं, अभी भी याद नहीं आ रहा? अब तो याद आ जाना चाहिए यार, एज ओपन सर्किट, ऐसा कुछ बताया था? सर्किट, ठीक यस है, सर। कुछ थोड़ा याद आया। तो ओपन सर्किट मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वहां से सर्किट ओपन हो जाएगा, वहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सो नाउ लेट्स टाइम फॉर यू टू प्रूव इट एंड अंडरस्टैंड इट। तो इसको प्रूव और अंडरस्टैंड करने से पहले, एज यू कैन सी इस सर्किट में यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, यू ऑल कैन सी कि दिस इज अ सर्किट वेयर आई एम हैविंग अ बैटरी विद द कैपेसिटर, तो नो डाउट दिस इज अ केस ऑफ चार्जिंग। किसका केस है ये? चार्जिंग आर्शन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस है। इस पे क्वेश्चन लगाना तुम्हारी ड्यूटी है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आए नहीं, है ना? इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के पर्पस से नहीं है ये, बीइंग वेरी फ्रैंक, ये प्योर नीट के पर्पस से है ना? तो इसको नीट के पर्पस से ही देखना और स्टार्ट करते हैं। सो अब देखो, क्वेश्चन
कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है करंट मान लो, सबसे पहली चीज केवीएल लगाओ इसमें, क्या लगाना है तुम्हें, यू हैव टू अप्लाई केवीएल, तुम्हें आता है लगाना, सो यू कैन अप्लाई द केवीएल, मैं बोल रहा हूँ तुमसे अप्लाई केवीएल, केवीएल इन लूप, कौन से लूप में लगाओगे, किसी भी लूप में लगा लो, लेट्स से ए बी सी डी ए, ठीक है इस लूप में लगाओ, लगाओ इस लूप में केवीएल। केवीएल लगाने के पहले सबसे पहला अजम्पशन क्या होता है अर्शी को याद है, व्हाट इज द फर्स्ट अजम्पशन दैट यू नीड टू डू बिफोर अप्लाइंग केवीएल पीयूष सौरभ? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, सो नो डाउट इसमें तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट पता होना चाहिए, बिकॉज एक ही बैटरी है तो यहाँ नेता बन के उल्टा करंट मत मानना चाहिए, है ना, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसमें अगर करंट मान लिया तुमने कुछ है, लेट्स से आई है, कितना है तो इसमें कितना करंट होगा इधर पे अनास, कितना होगा जिया महक, कितना करंट होगा इधर पे, आई ही होगा ना भाई, यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी आई होगा, करंट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, बट ये किसी भी टाइम टी पे है, ये जो तुम आई करंट लिख रहे हो ना, ये बात याद रखना, ये सर्किट नॉर्मल सर्किट में तो हमेशा ट्रू होता है, बट ये जो तुम लिख रहे हो ये तुम किस लिए लिख रहे हो, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ये किसी जनरल टाइम टी पे तुमने मान लिया है, अज्यूम द करंट बी आई, तो तुमने किसी एक टाइम इंस्टेंट पे मान लिया है कि करंट आई होगा, उससे पहले क्या होगा नहीं पता, उससे बाद में क्या होगा नहीं पता है अभी तुम्हें, ठीक है, उसके बाद में खत्म भी हो सकता है करंट, जो कि तुम्हें ऊपर वाले एनालिसिस से पता है कि ये किसी इंस्टेंट पे तो आई फ्लो कर रहा है, बट थोड़े टाइम बाद क्या होगा, कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज तब कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यहां तक सब क्लियर है, देखो ऐसे सो नहीं, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, उठो सब, ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? अब मेरे लिए केवीएल लगाओ, सीधा सीधा तुम्हें केवीएल लगाना आता है, केवीएल लगाओ, ए टू बी बताओ क्या हो रहा है, ए टू बी जाओ, देखो ए टू बी में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है ए टू बी में, कुछ भी नहीं हो रहा है, ए टू बी में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना कैपेसिटर है ना रेजिस्टर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बी टू सी जाओ, बी टू सी में जाने में तुम्हें क्या होगा, कुछ आइडिया? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, होगा यूज होगा, देखो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपोजिट, अपोजिट फ्लो कर रहा है, सो ऑल इन ऑल क्या तुम अगर इधर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देयर शुड बी पॉजिटिव चार्ज एंड देयर शुड बी नेगेटिव चार्ज, इस इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट आई कैन से कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता है कितना होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता है कितना होता है, पता कितना होता है, काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसा कि मान लो कुछ एक पोटेंशियल है बी, कुछ एक पोटेंशियल है बी, एंड नो डाउट ये बी अभी वी नॉट से कम है, जो भी मेरा बैटरी का नेट वी नॉट पोटेंशियल है उससे कम है, तो कुछ वी है, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं अपन, सो इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, चलो अगर पोटेंशियल ऐसी चीज है जो तुम्हें नहीं पता, बट मान लो कि चार्जेस पता है, लेट्स से कि इस पे कुछ तो एक चार्ज है क्यू, इस पे इस टाइम पे कितना चार्ज है आरसी सर्किट का, तुम पता लगाना चाह रहे हो कि यार कितने तुमने, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में यही बताना चाह रहा था, तुमने कैपेसिटर बना लिया, तुमने उसकी स्टोरेज देख ली, तुमने उसकी एनर्जी देख ली, तुमने उसके सब तीन धाम जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, यू हैव एनालाइज्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। Now it's time for you to understand जिया कि यार इसको चार्ज करने में टाइम कितना लग रहा है, वो भी तो समझना जरूरी है। है मेरे पास एक लीटर बॉटल, बट अभी एक लीटर बॉटल को मैं छोटे नल से भरूंगा तो वो धीरे 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 भरेगा, बड़े नल से भरूंगा तो जल्दी भर जाएगा। Now it's time where we are analyzing कि कितना टाइम लग रहा है उसको भरने में। अगर वी नॉट वोल्ट की बैटरी से रख रहे हैं उसको, वी नॉट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसके अक्रॉस एक रेजिस्टर लगा के आर नॉट, तो कितने टाइम में वो चार्ज हो रहा है और कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है, 2 सेकंड 5 सेकंड में कितना करेगा, 20 सेकंड बाद कितना करेगा, ये टाइम एनालिसिस कर रहे हैं। So add any if at time t charge on capacitor is q, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, b से c जाने पे तुम्हें potential drop मिलेगा या gain? गलत मत बोलना, सही बोलना, वो तुम्हें पूछा है मैंने। b से c जाने पे, क्योंकि अपना analysis कैसा चल रहा है, a to b, b to c, तो a to b जा रहे हो, अभी तुम कुछ नहीं था, अब तुम b to c जा रहे हो, when you are moving b to c, देखो b to c में तुम्हें potential drop मिलेगा या gain? सोच रहे बच्चे मेरे, नेगेटिव पोटेंशियल,
कैसे पता? तुक्का मारा शर्त जी ने, अपोजिट डायरेक्शन में सोच कर गया ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं, ये देखो ना, हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल सही, देखो उसने सही लॉजिक सोचा, पता है तुम्हें, पता है करंट कैसे फ्लो करता है, मैं केवीएल लगा के तुमको कितने सिखाया मैंने, उसने बिल्कुल सही लॉजिक तो बताया तुमको, मैंने बताया ना करंट का डायरेक्शन फिक्स है, तो तुम्हें पता है किसका पोटेंशियल ज्यादा है, सी का या बी का? सीका सी का सी का, तो सी का पोटेंशियल ज्यादा है, तुम लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, गेन या लूज? गेन गेन गेन, कितना गेन करोगे? इक्वल्स टू सी नॉट। अच्छा क्यू इज समथिंग दैट इज नॉट फिक्स, क्यू यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो फिक्स नहीं है, सी नॉट फिक्स है, क्यू नॉट, क्यू क्यों नहीं फिक्स है, वो चार्ज है एट दिस इंस्टेंट, सी नॉट फिक्स है, कैपेसिटेंस उसका कितना है वो फिक्स है, सो क्यू बाय सी नॉट होगा। अच्छा अब दूसरे में आओ, सी टू डी आओ, सी टू डी में क्या हो रहा है? गेन गेन हो रहा है हायर, गेन हो रहा है कितना? आर आई आर नॉट। नॉट इस पे और डी टू ए, ड्रॉप हो रहा है, अब तो कितना टाइम लगेगा सोचने में, तो ड्रॉप कितने का ड्रॉप हो रहा है? वी नॉट माइनस नॉट का, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, देखो अपने को एनालिसिस करना है चार्ज और टाइम के बीच में, और आई इज समथिंग दैट यू डोंट नो, देखो यहाँ पे क्यू है जो तुमको एनालाइज करना है, सी नॉट तुम्हें पता है, आर नॉट तुम्हें पता है, वी नॉट तुम्हें पता है, ये सब तुमने अप्लाई किया, आई इज समथिंग दैट इज बाय प्रोडक्ट, आई हमें नहीं चाहिए, तो आई को अपन हटाते हैं, आई को क्यू के टर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे पहले इसको थोड़ा सीधा साफ सुथरा लिख देता हूँ, एक काम होता है ऐसा लिख देता हूँ इसको, आई आर नॉट इक्वल्स टू बी नॉट माइनस क्यू अपॉन सी नॉट, आई की वैल्यू कितनी होगी, डी क्यू अपॉन डी टी, डी आर नॉट इक्वल्स टू वी नॉट माइनस क्यू बाय सी नॉट। अब तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है इंटीग्रेशन, बिकॉज तुम्हें चाहिए क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ कैसा कैसा चार्ज उसमें भर रहा है या कैसा कैसा निकल रहा है, तो इसको मेरी हेल्प करो यार इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा प्लीज, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट सोचो, सोच लिया, हाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले तो सारे वेरिएबल्स एक तरफ, मतलब एक टाइप के वेरिएबल एक तरफ दूसरे टाइप के एक तरफ, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से दो डिफरेंशियल फंक्शन है तुम्हारे पास, और सॉरी कौन कौन से दो डिफरेंशियल वेरिएबल्स है, क्यू एंड टी, क्यू क्यू वाले टर्म यस सारे सर एक तरफ कर लो और टी वाले टर्म एक तरफ कर लो, तो क्या तुम्हें इसमें टी वाला कोई टर्म दिख रहा है? नो सर नहीं दिख रहा, तो नो टी वाले सर को मारो गोली, क्यू वाला दिख रहा है ना, लेट्स लेट्स यस डू सर लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक ऑल द क्यू वन साइड, क्यू को अपने को लिखना है डी क्यू के साइड, कैसे लिखेंगे वो समझो, अब इंटीग्रेशन करना है, बट इंटीग्रेशन करने से पहले बहुत जरूरी होता है कि जब भी तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन किसका हो, उसी वेरिएबल का हो, कुछ और वेरिएबल को नहीं कर सकते ना अपन इंटीग्रेट, तो एक काम करता हूँ इसको मैं इधर ही लिखता हूँ, लिख दू ना इधर, क्लमसी तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, लिख दे रहा है, सर लिख दे रहा है, चलो तो इसको पहले ऐसे लिख दो, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर नॉट माइनस क्यू अपॉन आर नॉट सी नॉट, क्लियर है बात? अब देखो इधर यस एलसीएम लो, सर एलसीएम आया आर नॉट सी नॉट, इधर पे क्या आएगा, वी नॉट सी नॉट माइनस क्यू, यही आएगा, यस सर ये क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखना ये इंटीग्रेशन बहुत मजेदार है, वन अपॉन वी नॉट सी नॉट माइनस क्यू डी क्यू इक्वल्स टू वन अपॉन आर नॉट सी नॉट डी टी। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो मैं चाह रहा था डी क्यू के साथ क्यू वाला टर्म, क्योंकि वी नॉट सी नॉट कॉन्स्टेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, और डी टी के साथ क्योंकि डी टी का कुछ है नहीं, तो ये दूसरे वेरिएबल दूसरे कॉन्स्टेंट एक तरफ कर दिए, दैट्स इट, इसके कोई ये भी कॉन्स्टेंट है, इसको भी तुम कहीं भी रख सकते हो, कोई मतलब नहीं था, मेन बस ये मोटिव था कि यार ये क्यू वाला जो पूरा टर्म है ये किसके साथ आ जाए, डी डीक्यू के साथ क्यू के साथ। अब इसको क्यों इंटीग्रेट करो, कर पाओगे इंटीग्रेट, कर पाओगे इंटीग्रेट, लेट्स इंटीग्रेट इट, इसको करते हैं अपन इंटीग्रेट, क्या करते हैं इंटीग्रेट इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा इंटीग्रेट करने से पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बात बताओ,
ये वी नॉट सी नॉट क्या है? वी नॉट क्या था? पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ईएमएफ, ईएमएफ था। सी नॉट क्या था? कैपेसिटी। सो वी नॉट सी नॉट कैन आई से इट्स नथिंग बट द क्यू नॉट, द मैक्सिमम चार्ज कैन मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज होगा वो कितना होगा? क्यू नॉट। क्यू नॉट, सो इसको मैं क्या लिख दे रहा, क्यू नॉट लिख दूं? यस सर। 1 अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू डी क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन आर नॉट सी नॉट डी क्यू। ठीक है, चलो आई होप कुछ गड़बड़ नहीं हुई, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ फंक्शन में कुछ गड़बड़ सा हो रहा है। चलो देखते हैं आगे करके। अब इसमें लिमिट बताओ, राइट हैंड पे किसकी लिमिट डालूंगा? मान लो जीरो से टी टाइम तक तुमने एनालाइज किया, और इसमें मान लो चार्ज पहले कैपेसिटर पे जीरो था, बढ़ते बढ़ते कुछ तो चार्ज क्यू आ गया, यही चीज तुम्हें निकालना है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन देखो कितना होगा, एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू, और यही माइनस जो तुम्हारा मेन वेरिएबल है जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो वो माइनस में है, तो तुम्हें एक बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो पूछना, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कैसे ये आया इंटीग्रेशन। इक्वल्स टू इधर पे कितना हो जाएगा, टी बाय आर नॉट इंटू सी नॉट। हाँ आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे लिमिट डालो जीरो से क्यू, यहाँ पे लिमिट डालो जीरो से टी। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? लेफ्ट साइड वाला सर है, है दिक्कत है। देखो देखो देखो, जैसे सपोज करो, देखो ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, ये जो लिखा है 1 अपॉन q नॉट माइनस q, ये कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है 1 अपॉन a माइनस x dx, ऐसा कुछ लिखा है ये? यस। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं देखना, अगर जैसे हो तुम्हारे पास 1 अपॉन x माइनस a, तो x माइनस a का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, लॉन x माइनस a, बट इस वाले का क्या होता है पता है? इस वाले का होता है माइनस लॉन a माइनस x। ऐसा क्यों होता है वो देख लो, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इसको अपन इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, x माइनस x को पहले मानते हैं t, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो तुम्हें क्या मिलता है, माइनस dx इक्वल्स टू dt, फिर तुम यहां से आता है dx इक्वल्स टू माइनस dt, फिर तुम dx की वैल्यू यहां पुट करते हो, तो इसको क्या लिखते हो 1 अपॉन t, dx ये लिखते हो माइनस dt, तो माइनस dt, फिर इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ln t, माइनस बाहर रहता है वैल्यू ये रहती है। अब तो क्या आ रहा है, माइनस लॉन टी, और टी तुमने किसको माना था, देखो ए माइनस एक्स को, तो माइनस लॉन ए माइनस एक्स आता है। अभी आया समझ में? इसको नहीं आया अभी भी? मुझे नहीं आया सर। मैं बता दूंगा क्या नहीं आया, पूछो ना, जेन्युइनली पूछो, मेरे को पता है तुम्हें नहीं आता इंटीग्रेशन, तो पूछ सकते हो तुम क्या नहीं आया अभी, ये देख सके समझ, ये वाली चीज समझ में आई कि 1 अपॉन x माइनस a रहता है, तो इसका तो इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट लिखते हैं ln x माइनस a, ये पता है? नहीं पता। ये भी नहीं पता, अच्छा चलो चलो चलो, फिर तो बहुत गड़बड़ है। ये पता है क्या कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, इतना पता है? ये पता है? हाँ। स्तुति को पता है, नहीं पता है? अरे बोल रहे सर पता है इतना। हाँ ये पता है तो फिर क्या दिक्कत है। अब ये पता है, जब भी खाली x रहता है तो अपन खाली सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं, बट कभी अभी खाली x नहीं तो क्या करेंगे, उस खाली x को अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल मानते हैं। तो यहाँ पे अगर x माइनस a रहता तो इसको x माइनस a को t मानती, फिर तुम यहाँ से इसको सब्सटीट्यूट कराती, फिर सब्सटीट्यूट करा के सॉल्व करती। फॉर एग्जांपल कर ही देता हूँ, जैसे तुम x माइनस a रहता तो तुम x माइनस a को पहले t मानती, क्योंकि तुम्हें किसका इंटीग्रेशन पता है, देखो 1 अपॉन x dx इसका इंटीग्रेशन तो पता है, बट अभी ऐसा चीज अगर लिख के आ गया x माइनस a तो वो नहीं पता है, तो तुम क्या करोगी, तुम x माइनस a को पहले हटाओगी, जो तुमको जो चीज नहीं आती तुम उसको ही हटाते हो हमेशा, तुम्हें x माइनस a नहीं पता तुम x माइनस a को हटाओगे, फिर तुम x माइनस a का इंटीग्रेशन x माइनस a को t लेट करोगे। अब x माइनस a को t लेट करोगे तो यहाँ पे जब तुम पुट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन t dx ये मिल जाएगा। फिर तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारे सर ने बताया था कि कभी भी जब तुम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो जो वेरिएबल इधर लिखा है वही वेरिएबल किधर भी होना चाहिए, डिफरेंशियल वेरिएबल दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो या तो तुमने x माइनस a को t लिखा है तो तुम्हें dx की जगह भी क्या चाहिए, dt। अब dx की जगह dt कैसे आएगा, जब तुम इस वाले को क्या करोगे डिफरेंशिएट, तो तुम इस वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dt आएगा, माइनस a का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो dx कितना आ जाएगा यहाँ से dt। अब तुम dx को dt यहाँ पुट करोगे फिर कितना आएगा 1 अपॉन t dt। अब ये इंटीग्रेशन आता है तुमको तो तुम बोलोगे ln t, और लेकिन t कुछ था ही नहीं, t तो तुमने माना था, तुम इसको क्या लिख दोगे ln x माइनस a। ये बात आई समझ में?
सर dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 1 क्यों लिया? अरे x माइनस a को t माना था ना, फिर इसको डिफरेंशिएट करके तो ये ला रहे हैं। देख देख मेरी बात सुन, मेरे को ये पता है कि यहाँ पे ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता, 1 अपॉन t और dx एक साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते, बिकॉज dx इज अ डिफरेंट वेरिएबल, t इज अ डिफरेंट वेरिएबल। तुम्हें क्या पता है कि आई हैव टू कन्वर्ट दिस x इनटू t और इधर आई हैव टू कन्वर्ट दिस t इनटू x, आई हैव टू डू वन थिंग, इन दोनों में से मुझे एक चीज करनी पड़ेगी। तो ये चीज कैसे करोगी तुम? तुम्हें एक जो x और t के बीच का रिलेशन पता है, तुम इस रिलेशन को ही डिफरेंशिएट करोगी t के रिस्पेक्ट में, जिससे इसमें dx भी मिल जाए और dt भी मिल जाए। जब तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो तुम्हें ये चीज मिली, आई बात समझ में? और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dx अपॉन dt ये आ गया, a का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt अपॉन dt क्या हो जाएगा 1। अभी आया समझ में? यस सर, अब आ गया। पहले माइनस थे, कहाँ है माइनस? हाँ मेरी बात समझो ना, तो यहाँ पे अपन किसको इंटीग्रेट कर रहे थे, x माइनस a को, यहाँ पे लेकिन क्या है a माइनस x, तो अभी जैसे ही सेम अगर, हाँ तो जब भी a माइनस x रहता है, जब भी a माइनस x रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मेरी तो प्रैक्टिस है तो मुझे याद हो गया है, नहीं तो स्टार्टिंग में मैथ्स वाले भी ऐसे लेट करके करते हैं। तुम अब याद रखना कि x की जगह अगर ऐसा कुछ लिखा है, एक दिन ले ही लो एक्स्ट्रा क्लासेस पे। हाँ यार बहुत ज्यादा जरूरी है, संडे को यार मैं सोचता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा हूँ, किसी और दिन ले लो, बट ले लो। चलो मैं लेता हूँ, ठीक है। इधर देखो, अभी तुम लोग अभी के लिए याद रखो, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, जनरल फॉर्म, व्हाट आई एम राइटिंग, मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, तो वो याद रख लो, उसको छाप लो अपने दिमाग में कुछ भी करके, अभी के लिए चीज कुछ लॉजिक वगैरह तो पता नहीं, ऐसे ही छाप लेंगे, स्कैन दो रहना। मैं बता दूंगा यार, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी इक्वल, इसका इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, किसका, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का, तो वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन याद रखना क्या होता है, क्या होता है, लॉन ln a x plus b, और x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहता है उसको अपन क्या कराते हैं, आगे डिवाइड, ठीक है। ये याद रखो कि ये जनरल फॉर्म याद रख लो अभी के लिए, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी अंदर चला आता है लॉन का, तुम्हें अरे यार तुम्हें ये पता है जब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन एक्स होता है, तो सिमिलरली करके ये याद रख लो ना कि वन अपॉन ए एक्स प्लस बी होगा तो उसका इंटीग्रेशन लॉन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, okay, और जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होगा उसको हमें डिवाइड करा देना है। अब अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है, वन अपॉन क्या लिखा था अपना, क्यू नॉट माइनस क्यू, यानी ए माइनस एक्स लिखा है, तो ए माइनस एक्स को जब तुम डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगी तो यहाँ देखो एक्स के साथ किसका मल्टीप्लाई है, माइनस वन का है या नहीं है, एक्स के साथ माइनस वन का मल्टीप्लाई, तुम इसको क्या लिखोगे, लॉन ए माइनस एक्स, और जिसका मल्टीप्लाई था उससे डिवाइड करा दोगे, तो माइनस वन से जब डिवाइड कराओगे तो माइनस कितना आएगा, ए माइनस माइनस लॉन ए माइनस एक्स। अभी क्लियर है? हाँ अर्शी कुछ पूछ रही थी। ठीक है, ये क्लियर है अभी सबको, मैथ पढ़ाने लगा yes. उनको टाइम वेस्ट कराया, मैं क्वेश्चन देके आया था यार, अच्छे अच्छे वो नहीं हो पाएंगे। चलो तो अब ये देखो, ये आया, ये आना चाहिए तुम्हें, बहुत जरूरी है यार, कब तक एबीसीडी पढ़ते रहोगे, तो अच्छी चीजें पढ़नी है, इसको इंटीग्रेट। अब लिमिट तो, अच्छा लिमिट रख के बताओ मुझे, तुम लोग बताओ क्यों, गलती पता है तुम लोग की क्या, तुम लोग बैठे सुनते रहते हो कहानी जैसी, कभी ये नहीं होता कॉपी पेन डायरी लेके बैठ जाए करो, उसी टिश्यू पेपर में सॉल्व कर लिया करो यार, मेरे साथ बल्ले उसको फेंक देना बाद में, प्रैक्टिस तो होगी। अब इसमें जरा लिमिट पुट करके बताओ मुझे क्या आ रही है, ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो प्लीज। जिया बताएगी, जिया बता जल्दी से, तो देखो सलिया ने लीव कर दी, उसको बोर हो रही थी, कह रही बेकार क्लास आज की, मैं बता जल्दी जल्दी पुट करो, लिमिट आती है पुट करना, नहीं आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, बट जल्दी से पुट, कर रहे हो ना सौरभ, सौरभ क्लियर है ना भाई चीजें, शिल्पी तान्या yes, देख रही है, लिमिट रख के बताओ जल्दी से, यस सर, नहीं तुम लोग सोते बहुत हो, बिंदास सोते हो, मेरे को पूरा 110% इतना भरोसा है तुम लोग पे, मत चद्दर ओढ़े लेटे पलंग में और कान लगाया ईयरफोन लेकर फोन की वीडियो, सर करेंगे डांस सामने है, माइनस क्यू आए, माइनस क्यू आए, गलत किया है, देखो इधर अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस को, माइनस को मैं इधर भेज देता हूँ, देखो इधर पे तो आएगा माइनस टी बाय आर नॉट सी नॉट, ठीक है, देखो यही आना चाहिए, अपर लिमिट रखी तो तुमने क्या आया, एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू, लोअर लिमिट रखी तो कितना आया, माइनस एल एन क्यू नॉट, क्यू नॉट,
ये आया सबका, लॉन एम माइनस लॉन एन कितना होता है, लॉन डिवाइड में आ जाएगा क्यू नॉट, बहुत बढ़िया सौरभ, क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाय आर नॉट इनटू सी नॉट। अब देखो ध्यान से फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लॉग की प्रॉपर्टी होती है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, क्यू माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। यस सर, आर नॉट सी नॉट लिख दो यार, ठीक है आर नॉट सी नॉट लेके किया, तो यहाँ से देखो कितना आ गया, क्यू इक्वल्स टू क्यू तुम्हें चाहिए था क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर नॉट सी नॉट। आया सबका ये, किसको नहीं समझ में आया ये बताओ जल्दी से, ये झूठ बोल रही है शिल्पी पक्का 110% सर क्यू वाला सर आ गया। अर्शी जा, क्या नाम, जिया, महक, अनास, सर क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन में क्यू नॉट को बता दो कैसे सिंपलीफाई है। अरे यार तो देख कोई बात नहीं समझ ले, बट आज समझ ले, आज कल मत भूलना, देखो आज को जैसे लिखा होता ये कैसे सिंपलीफाई किया, क्यू नॉट अरे इसको डिवाइड करा दिया ना, इसको डिवाइड करा दिया तो ये वन हो गया, वन माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट हो गया, e टू द पावर माइनस टी बाय आर नॉट सी नॉट था, फिर क्यू बाय क्यू नॉट को उधर भेजा, e माइनस टी बाय आर नॉट उधर भेजा, ऐसे आ गया। अब तुम इसको गौर से देखो, इसको क्या करो ध्यान से देखो, इसको मैं और बीच में लिखता हूँ बड़ा बड़ा, इसको कर देता हूँ छोटा, फालतू का था ये काम, इसको अब ध्यान से देखना, मैं बड़ा बड़ा करके इधर लिख रहा हूँ बीच में बिल्कुल, क्यू ये क्यू क्या बता रहा है, अभी मैं बोलूंगा क्यू क्या बता रहा है, चुप हो जाएंगे, पता ही नहीं सर क्यू क्या बताता है, क्यू और क्वीन है ना, मैक्सिमम चार्ज है सर्किट में, क्यू मैक्सिमम चार्ज नहीं है, मैक्सिमम चार्ज तो क्या है, क्यू नॉट है, Q not is the maximum possible charge. Q क्या है? Charge at time t. तो अगर मैं तुमसे पूछूं at time zero, t zero पे कितना चार्ज होगा सर्किट में? Zero. ये देखो. क्या करूं ऐसे लोगों का मैं? Q not होगा. कितना होगा? देखा उस मैं कुछ बोल दिया तो मतलब पीयूष गलत है. पीयूष ने सही बोला है. पीयूष बता इन लोगों को कैसे आएगा बेटा zero? क्योंकि time zero पे तो current टाइम जीरो पे कोई करंट ही नहीं होगी तो चार्ज कहां से होगा, और इधर ऐसे देख देख सॉल्व किसी ने किया, उसने भी अंधा मारा बेटा, टू इधर टी की पावर 0 तुम तो 1 आ जाएगा सर, 1 1 1 वेरी वेल सौरभ, टी की पावर 0 इधर 0 पुट करोगे ई की पावर 0 आएगा, ई की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो क्यू कितना आ गया एट टाइम टी 0 पे 0 0। मैं तुमसे पूछूं क्यू क्यू नॉट कब होगा, क्यू की वैल्यू क्यू नॉट कब होगी, मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर तुम्हारा पूरी तरीके से कब चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज, ये मैक्सिमम टाइम होगा, हां वो मैक्सिमम टाइम की वैल्यू बताओ, कैसे बताएंगे ऐसे कंफ्यूज हो गए आते हैं सर, ई क्या है हम समझे नहीं, पीयूष ई एक्सपोनेंशियल है बेटा, ई एक कांस्टेंट वैल्यू है मैथ में, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, वाले को क्या पता रहेगा, अच्छा मैं बता दूं टीचर बन होगा सर, क्या टीचर बवाल नहीं होगा, टी की वैल्यू जब 1 होगी पुट करो टी की वैल्यू 1 बोल रहे हो जो, उसको पुट करके तो देखो जिया, तुमने टी की वैल्यू 1 रख दी, क्या तुम्हारा क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट आ गया, बोलो अब तुम्हें यही सोचना है, यहाँ पे तुम लगाओ मैथ जितनी आती है तुम आज पूरी लगा दो कि टी की किस वैल्यू पे क्यू की वैल्यू क्यू नॉट के बराबर हो जाएगी, अरे क्यू की वैल्यू क्यू नॉट कब होगी 1 के बराबर, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर कब होंगी, जब ये चीज किसके बराबर हो जाए, इन दिस टर्म विल बिकम व्हाट, जीरो जीरो, जब ये पूरा टर्म क्या हो जाए जीरो हो जाए तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो यस सर, यस सर, अब टी की किस वैल्यू पे ये टर्म जीरो हो जाएगा ये सोच लो, चलो व्हाट वैल्यू ऑफ टी दिस थिंग विल बी जीरो, नहीं पता
कैसे नहीं पता? ये असल में क्या लिखा हुआ है हम लोग ने, e टू दी पावर माइनस t बाय आर नॉट सी नॉट का मतलब क्या है, वन अपॉन e टू दी पावर t बाय आर नॉट सी नॉट, यही है, ये है कि नहीं इसका मतलब? यस सर। जब इनफिनिटी आ जाएगा तो, हाँ तो t की वैल्यू जब इनफिनिटी होगी तब ये पूरा टर्म वन अपॉन इनफिनिटी जाएगा, और वन अपॉन इनफिनिटी जाएगा तो ये किसको टेंड करेगा? जीरो, जीरो को। जीरो तो इसीलिए मैंने तुमसे क्या बोला था कि इनफाइनाइट टाइम लगता है किसी भी चार्ज, इसको कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट टाइम, कितना? इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम लगता है चार्ज, कभी भी कैपेसिटर कोई पूरा चार्ज हो ही नहीं सकता, मैथमेटिकली तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और कोई चीज मैथमेटिकली नहीं हो सकती तो रियल लाइफ में तो हो ही नहीं सकती है। सो इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन चार्ज एंड टाइम, किसके किसके बीच में बनाऊं, चार्ज और टाइम के बीच में, मान लो ये क्यू है, ये मान लो टी है, ठीक है, और ये मान लो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी थी अभी तुमने निकाली थी? Q0। मैक्सिमम वैल्यू, अब मैंने डॉटेड क्यों बनाई, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है, दिस इज व्हाट वी कॉल Q0। अब तुम सोचो जरा कि ये लैग क्यों कर रहा है यार, इज इट लैगिंग? नो सर, मोबाइल में लैग कर रहा है। नो सर। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि ये मैक्सिमम कब पॉसिबल है, क्या ये कभी Q0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये कैसा हो दिखता है ग्राफ, सोच देखो, इमेजिन करो, ग्राफ भी वही है जो तुम्हें पता है, जो तुमने पढ़ा है ग्राफ अभी वैसे होना, चलो तुमने ग्राफ थ्योरी नहीं पढ़ी है, पर तुम्हें ये तो पता है कि टाइम जीरो पे क्यू कितना होगा, टाइम जीरो पे क्यू कितना होगा, जीरो, और टाइम क्यू नॉट कब होगा, इन्फिनिटी पे, जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए एक्सपोनेंशियल, कि ये और ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, आगे चल के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ऐसा, और ये कभी भी क्यू नॉट नहीं हो सकता, ठीक है। अभी ये तो एक चीज हुई, अभी तुम्हें बहुत चीजें पढ़ानी है यार, इसमें तो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, जैसे अभी तुम्हारा ये याद रखना चार्जिंग के केस में, इसको याद रख लो फॉर्मूले को, बोलो सब मेरे साथ, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, याद रखोगे? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आर सी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट। ये मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था व्हाई वी से दिस इज अ टाइम कॉन्स्टेंट, बिकॉज क्या होता है, आरसी एक ऐसी वैल्यू है, आरसी आज तो रेड मार दी, कितनी पड़ी अपन ने, दो पन्ने पड़े क्या, तीन पेजेस पड़े पूरे टाइम में, चलो कोई नहीं, देखो इधर, अब आरसी को टाइम कॉन्स्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि आर और सी का मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि टी के टर्म में आए वो, मतलब ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि मैथमेटिकली अगर तुम इसको देखोगे, अगर तुम इसको, तुमने बहुत फर्स्ट क्लास में इलेवेंथ क्लास में तुमने एक पढ़ी होगी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन फिजिक्स की, कैसी होनी चाहिए यूनिट, उसकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, होमोजीनियस इक्वेशन पे हम बात करते हैं, पढ़ा था नहीं पढ़ना था यूनिट होमोजीनियस, होमोजीनिटी पढ़ी है यूनिट्स की, अरे सिंपल सी बात पढ़ी होगी तुमने कि तुम लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हो, मास को मास कर सकते हो, तुम हाइट से मास को नहीं हटा सकते हो, तो अभी यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड पे तुम्हें कौन सी यूनिट मिलनी चाहिए, चार्ज। राइट हैंड पे भी कौन सी मिलनी चाहिए, चार्ज। ये जो पूरा टर्म है इस टर्म की यूनिटलेस होनी चाहिए, ये टर्म क्या होना चाहिए, यूनिटलेस। अभी तो ये चार्ज, क्योंकि ये तो चार्ज है, तो इसको यूनिटलेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो टाइम की यूनिट है वही यूनिट आरसी की होनी चाहिए, तो हम लोग ने नया कॉन्स्टेंट डिफाइन किया है यहाँ से, टाइम कॉन्स्टेंट, बिकॉज हम सबको पता है आरसी की तो यूनिट क्या होगी, ओम फेराइट, तो ओम फेराइट कहीं दूर दूर तक भी टाइम के बराबर नहीं आ रहा था, तो हम लोग ने इसको लिखने के लिए फिजिसिस्ट ने क्या बोला कि इसको हम बोलेंगे नहीं आरसी, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम कॉन्स्टेंट, और टाउ से डिनोट करेंगे, जिसकी यूनिट कुछ नहीं होगी, टाइम की यूनिट ही होगी, क्योंकि तभी यूनिट यूनिट कैंसिल हो पाएंगे, तो याद रखना। अब ये बात हुई किसकी, किसकी बात हुई है, बोलते नहीं तुम लोग, पता है बहुत गंदे बच्चे हो गए, ये बात हुई चार्ज की। Now let's talk about the potential. किसकी बात करें अब? Potential. किस तरीके से इसके across potential change आ रहा है? ये जो V है, ये V कैसे कैसे change हो रहा है? कैसे कैसे इसके across V change हो रहा है? हाँ संध्या, कभी कभी आते हो ना तुम क्लास में? चलो देखते हैं। अब पोटेंशियल की इक्वेशन बनानी तो यार बना लो इसी से।
क्यू नॉट को क्या लिख सकते हो तुम, सी नॉट वी नॉट लिख सकते हो, वन माइनस ई माइनस टी बाय टाउ लिख रहा हूँ मैं, पूरा नहीं लिखूंगा। और क्यू क्यू क्या लिख सकते हैं बोलो, मैं नहीं लिख बोल रहा, सी वी नहीं, सी नॉट वी, क्या क्यों सी नॉट बाई वी, बिकॉज सी नॉट तो फिक्स है ना मेरे भाई, कैपेसिटेंस इज नॉट चेंजिंग। तुम उनको कैपेसिटर को तुम छोटे करंट में लगाओ, बड़े करंट में लगाओ, बैटरी में लगाओ, ट्रांसफार्मर में लगाओ, जनरेटर में लगाओ, उसका कैपेसिटर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, जैसे कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता, तो पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन मिल गया, v इक्वल टू v नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau। आया समझ में? तो पोटेंशियल भी सेम रिलेशन फॉलो करता है, आई एम नॉट मेकिंग द ग्राफ बट पोटेंशियल भी सेम रिलेशन फॉलो करता है, तो मतलब पोटेंशियल समझ आया? हाँ समझ आ, बहुत बढ़िया। मतलब कभी भी इसके अक्रॉस वी नॉट पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, इनफाइनाइट में जाके होगा। अच्छा अभी अभी समझ में आ गया, तो अभी एक काम और करते हैं, रेजिस्टेंस करंट की इक्वेशन बनाते हैं। किसकी इक्वेशन? करंट की। किसकी बनाते हैं? करंट की बनाओगे, साथ में बनाएंगे, चलो इसी से बनाते हैं। करंट करंट क्या होता है? इधर पे आएगा आर सी। अब किस किस को ये चीज समझ में नहीं आई बोलो, फिर मैं समझा देता हूँ। आर सी वाला समझ नहीं आया। मैंने कुछ खाया क्या है? आरसी वाला समझ नहीं आया। देखो इधर मैं अच्छे से लिख के करता हूँ। देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, v equals to v naught minus v naught e to the power minus t by tau, ये लिखेंगे। अब इसको तुम या q कर दो, sorry q q। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे dq upon dt, ये क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो माइनस q नॉट आगे आएगा e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है, नहीं पता है, चलो ये भी बता दो ना, e की पावर x। हाँ अगर जैसे लिखा है e टू दी पावर ए एक्स, बहुत बढ़िया शिल्पा, e टू दी पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, a e टू दी पावर ए एक्स क्या होता है, a e टू दी पावर ए एक्स जो भी मल्टीप्लाई में होता है डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन में a था तो a को मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ठीक है। तब यहाँ पे देखो t के साथ क्या मल्टीप्लाई में, माइनस वन बाय टाउ, तो अपन मल्टीप्लाई किसका कराएंगे, माइनस वन बाय टाउ का, और e टू द पावर माइनस t बाय टाउ एज इट इज लिख देंगे। अभी आया समझ में? यस सर। नहीं लगा बिल्कुल, बताओ बताओ फिर से बता दूंगा मैं, स्तुति बताओ, अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ यार, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बोलो 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 हस्ती आ गया, झूठ बोल रहे, ये पक्की बात, सच्ची आ गया, सलोनी शिल्पी तान्या एवरीवन आया, यस सर यस सर। तो यहाँ से आई का क्या रिलेशन आया, क्यू नॉट आर नॉट सी नॉट लिख देता हूँ, ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ ही रहने देता हूँ। मैंने इसको आर नॉट सी नॉट क्यों लिखा है पता है, क्योंकि तुम्हें पता है क्यू नॉट बाय सी नॉट क्या होता है, ओके शिल्पा सो सॉरी, हाँ V नॉट होता है, तो बोलो ना जोर से बोलो, शर्मा क्यों बोल रहे हो, V नॉट अपॉन R नॉट, सही बोला था उसने, हाँ तो मैंने कब बोला, मैंने बोला शर्मा क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो, V नॉट अपॉन R नॉट क्या होता है, I नॉट मैक्सिमम करंट, सो मैक्सिमम करंट का रिलेशन क्या आया है, लेट मी राइट इट आउट हियर ओनली, सो I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस t बाय tau। अब मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, ये याद रखना, ये मत भूलना कि चार्जिंग के केस में q का रिलेशन बनता है, एक रिलेशन बस याद रख के जाना पेपर में, q equals to q naught 1 minus e to the power minus t by tau, उससे तुम्हें सारे रिलेशन बनाने आने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए इसमें पोटेंशियल का भी यही रहता है, v equals to v naught 1 minus t to the power e to the power minus t by tau, और i का आता है i equals to i naught e to the power minus t by tau, is that clear to you all? अब यहाँ से तुम देखो, yes, जो मैं तुमको बोल रहा था, जो मैं तुमको दो चीज इधर बता रहा था और रटवा रहा था कि कैपेसिटर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट इनिशियल स्टेट,
स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव एज एन ओपन सर्किट, वो देखो क्यों बता रहा था। इनिशियल स्टेट मतलब टाइम जीरो, जब टाइम जीरो होगा तब आई की वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट। सो मतलब करंट ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इनिशियल टाइम में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, मस्त पूरा झमाझम करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। नाउ एट द टाइम ऑफ इंफिनिटी, स्टेडी स्टेट में इंफिनिटी में क्या हो जाएगा, शांत होगा, तुम लोग सोच रहे हो तो तुम लोग ऐसा करंट ना के बराबर, करंट ना के बराबर नहीं, ना ही हो जाएगा। देखो e dot i not one upon, वैसे उसने सही बोला ना के बराबर, बिकॉज इन्फिनिटी कभी होता नहीं है। सो e one upon इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये जीरो। सो i not will become zero, यानी at इन्फिनिटी at t equals to इन्फिनिटी i equals to zero। और यही चीज मैंने तुम्हें लिखाई थी कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और मेरे पे भरोसा नहीं है, मैंने ये भी बोला था तुम लोग को, जाना कैपेसिटर लेना, लगाना स्विच बोर्ड में और देख लेना, इसमें इनफाइनाइट टाइम के तक लगाए रखोगे तो ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा। उसमें सर आप पे भरोसा है, बट हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कर लोगे यार, देखो एसी करंट है, वो कुछ भी ज्यादा से ज्यादा तुमको ऐसा शॉक देगा मजे वाला और छोड़ देगा। चलो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, क्या समझना है अब तुम्हें, हमने इसको ला के किसके साथ लगाया है, आर नॉट के साथ। अच्छा ठीक है, आर नॉट के साथ लगाया है और इसका कैपेसिटेंस मान लो है सी नॉट, और मान लो इसके अक्रॉस इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा, खैर मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम्हें पता होगा ऑब्वियसली वी नॉट होगा, और वो रिलेशन भी तुम्हें पता है इनिशियली जब तक ये कनेक्ट नहीं था सर्किट से। अब जैसे ही कनेक्ट हुआ, इसने मस्त यहाँ से क्या निकालना चालू कर दिया है, चार्जेस। इसने क्या फ्लो कराना चालू किया, चार्जेस। मान लो इनिशियली इस पे इधर पॉजिटिव चार्जेस है, इस पे इधर नेगेटिव चार्जेस है, सो मस्त इसने क्या किया, इनिशियली जब तक इसके पास चार्ज है तब तक ये सर्किट में क्या फ्लो कराएगा, करंट, करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, तो वही चीज अपने को देखनी है। तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखनी है इसके लिए इक्वेशन। सो मान लो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, अच्छा इसमें ये बताओ चार्ज कम होगा टाइम के साथ या बढ़ेगा, कम होगा, कैसे कम होगा, सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा, कम होगा मेरे बच्चों, कम होगा, इस पे चार्ज कम होगा, इस पे चार्ज कम हो रहा है, वही तो पूरे सर्किट में करंट की तरह फ्लो कर रहा है। यहाँ बैटरी तो है नहीं जो फ्लो कराती रहेगी कराती रहेगी कराती रहेगी, कैपेसिटर है तो उसमें फिक्स चार्ज है, वो फिक्स चार्ज जब फ्लो कर जाएगा तब वो थक के बैठ जाएगा, तो उस पे एंड तक आते थे उस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा, धीरे धीरे क्यू नॉट से क्या होता जाएगा चार्ज कम, उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी कम होता चला जाएगा बिकॉज चार्ज कम होगा। तो ठीक है, सो मान लो सारा चार्ज जाएगा कहाँ, सारा चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा ना। देखो सुनो, मैं तुमको यही बता रहा था बैटरी क्या करती थी, मैं तुमको जब सेल पढ़ा रहा था मैंने तुम्हें बोला था बैटरी पुश भी कर रही है तो वो बैटरी एट द सेम टाइम पुल भी कर रही है चार्जेस को, तो करंट मेंटेन है। ये क्या करेगा, ये भाई साहब खाली पुश करके छोड़ देंगे, इनके पास पुल करने लायक पावर नहीं बचेगी, दैट क्लियर, यही मैं तुमको सेल में बता रहा था कि सेल इसलिए मजेदार चीज है कि वो बायलेटरल वर्क कर रहा है, वो धक्का दे रहा है चार्जेस को, वो साथ में साथ वापस भी ले रहा है कि सर्किट कंप्लीट चलता रहे, रुके नहीं चीजें, ये थोड़ी ना उतनी मेहनत कर पाएगा, इसके तो चार्जेस खत्म हुए थक के बैठ जाएगा, अरे मेरा काम हो गया। सो एट द टाइम टी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मान लो क्यू, क्या मान लो, लगाओ इसमें जरा केवीएल लगाओ भाइयों, प्लीज अप्लाई केवीएल इन दिस सर्किट, कितना कुछ पढ़ाना था यार, मैं इतना ढेर सारा लिख के लाया था पता है, तो मैं आज सुबह से इतनी लाइट नहीं आ रही, मैं इतना मेहनत कर रहा था तुम लोग के लिए पता है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, ये तो दो तीन मिनट का टॉपिक है, इसको तो जल्दी खत्म करा के। केवीएल लगाया, केवीएल भी नहीं लगाया, मेरी बातें सुन रहे हो, केवीएल नहीं लगाओगे, मान लो ये ए है, मान लो मेरे बच्चों ये बी है, मान लो मेरे बच्चों ये सी है, मान लो मेरे बच्चों ये डी है, अब लगाओगे केवीएल, एक बच्चा केवीएल लगा के मुझे क्वेश्चन बता दो, तुम लोग पता है अच्छे से पढ़ के मस्त रिजल्ट दो, कॉन्फिडेंट रहो, ये मैं मान रहा हूँ ये थोड़ी टफ चीज है इसीलिए फंस रहे हो, अब तक सिंपल चीजें हो रही थी कर रहे थे, कल सब क्वेश्चंस भी कर रहे थे ना,
तो वैसे डीमोरलाइज होके मत बैठो, अभी वो चीजें तुमको आ गई थी तो कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ना ही है, तब तक एबीसीडी पढ़ोगे। और ये आता है टॉपिक, क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में है। अब लगाओगे केवीएल तो लगा लो। अच्छा केवीएल तो तुम्हारे लिए हेल्प करेगी यार, केवीएल तो प्रैक्टिस वाली चीज है, केवीएल विल इवेंचुअली हेल्प यू आउट। नहीं लगाना तो मत लगाओ। लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? यस सर। I R not minus C Y Q is equal to zero. I R not minus C by Q. C not by C Q. By Q. C by Q. Q equal to C V. V क्या होगा? Q by C. Q by C. कोई देखो, ठीक है बैठे हैं भाई साहब। Q by C equals to zero. Clear है? अब यहाँ पे एक चीज मेरे बहुत ध्यान समझना, वो चीज हो सकती है थोड़ा धक्का दे। आई आर नॉट माइनस में आएगा ना? तू गड़बड़ किया क्या मैंने? अरे यार अस्ती यार, तुम इसको तू कैसे ऐसे चल रही है ना? अरे ये ले, इसको माइनस में, इसको प्लस में। खुश खुश, कुछ चेंज हो गया इक्वेशन? I R not equals to Q by C. अब देखो एक चीज बहुत ध्यान समझना, I को अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? What will write here I? क्या करना है तुम्हें? चार्ज चाहिए as a function of time, तो I को क्या लिखोगे? dQ by dt. हाँ, लिखेंगे here the current is, यहाँ टाइम के साथ करंट बढ़ रहा है या डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। हाँ, here the current is decreasing with टाइम। एक्चुअली करंट नहीं डिक्रीज कर रहा है, आई शुड नॉट राइट करंट इज डिक्रीजिंग, आई व्हाट आई शुड राइट हियर द चार्ज, करंट नहीं लिखना चाहिए, चार्ज डिक्रीज कर रहा है। सो हियर द चार्जेस आर डिक्रीजिंग विद टाइम, आर डिक्रीजिंग विद टाइम। सो आई इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। अगर तुम्हें याद हो तो तुम जब पोटेंशियल में तुम्हें पढ़ा रहा था तो मैं पोटेंशियल तुम्हें बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डीआर क्यों लिखते हैं? क्योंकि जैसे तुम फील्ड में आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, मतलब जैसे तुम आर, इसकी आर की वैल्यू जैसे तुम बढ़ाते जा रहे हो वैसे पोटेंशियल वैल्यू क्या होती जा रही है? कम। तो अपन नेगेटिव का साइन लगाते हैं, और नेगेटिव का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैथ वालों ने पढ़ा होगा एक चीज, ये जो डिफरेंशियल डिफाइन किया है ना, जो पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तुमने डिफाइन किया, वो हमेशा बढ़ती चीज के लिए डिफाइन किया है कि एक्स डिस्टेंस पे ये और एक्स से छोटी सी डिस्टेंस आगे पे ये। कभी ऐसे नहीं डिफाइन किया गया उसको कि x से पहले कम डिस्टेंस पे ही है, x पे ही है, x के बाद छोटी सी डिस्टेंस पे ही है, तो वो हमेशा आगे बढ़, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रोग्रेसिव चीजों को लेता है, बढ़त चीजों को ही समझता है। तो इसलिए अपन नेगेटिव साइन लगाते हैं जहां भी डिक्रीजिंग का फैक्ट आता है, तो ये याद रखना। अब इसके आगे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सो लोग तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं इसके बाद वाली क्लास सोच रहा हूँ ना लू यार, तबियत नहीं सही। देखो तुम क्या लिखेंगे अपन, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी आर नॉट Q by C note लिख देता हूँ इसको, है ना, ये C note चल रहा है तो C note लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। So dQ upon Q minus dt upon R note C note, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करने वाले को I'll give 10 rupees in hand, तुरंत जीपे, प्राइस बनी है 10 rupees इस पे, करो जल्दी से। अभी हिम्मत के ना सर बहुत कंजूस हो, 10 rupees ही रखे, वो तो तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है, मेरा कोई बेनिफिट थोड़ी ना हो रहा है, तुम कर भी ले रहे हो तो करो जल्दी से पक्का। जिसने जो सही इंटीग्रेट किया मेरे को तुरंत गूगल पे मैसेज करना। कर लोगे इंटीग्रेट? अच्छा मैं करता हूँ, मेरे साथ साथ मेरी हेल्प कराना, ठीक है? तो क्यों डायरेक्ट लिख सकते हैं ना? क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं सर? लेफ्ट हैंड साइड का क्यू लिखेंगे ना डायरेक्ट? डायरेक्ट लिखने में पिट जाते हैं लोग बहुत तेज। हाँ ऐसे ही गड़बड़ होती है, लिमिट रखने की किसी ने नहीं सोची ना, फिजिक्स में हमेशा बोला तुमको लिमिट रखा करो, लिमिट रखो जरा। अर्शी व्हाट इज द लिमिट? पहले राइट हैंड की लिमिट लिख देते हैं, राइट हैंड की लिमिट मान लो 0 से t, लेफ्ट हैंड की लिमिट लिखाओ, सब गलत बताएंगे देखना। लेफ्ट हैंड की लिमिट कोई एक होगा जो बता देगा सही, मैंने बोल दिया q से 0। जीरो क्यों होगी? जीरो से टाइम टी चल रहे हो ना, तो क्यू नॉट से
कुछ q, हमें नहीं पता कितनी, q नॉट से कुछ q, स्टार्टिंग में ढेर सारा चार्ज था, q नॉट कम होते होते कुछ q बचा है, ठीक है? ओके, कितना हो गया ये देखो, ln q अपॉन q नॉट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसका क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर नॉट सी नॉट टी। अब क्या करेंगे, सेम चीज, q अपॉन q नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, e टू द पावर माइनस t बाय आर नॉट सी नॉट। सो q कितना आ गया इधर पे, q नॉट e टू द पावर माइनस t बाय आर नॉट सी नॉट, हाँ यही आ गया। ये रिलेशन तुम्हें क्या रखना है, याद, हाँ ये याद रखना है, चार्जिंग के केस में क्या आया था वो याद रखना है, डिस्चार्जिंग केस में क्या आया वो याद रखना है, तुम्हें भूलना नहीं है दोनों चीजें, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं, तो यहाँ पे भी यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, पोटेंशियल का तुम रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हो, पोटेंशियल का रिलेशन कैसे निकालोगे, क्यू नॉट को क्या लिख सकते हो तुम, सी नॉट वी नॉट, पोटेंशियल किसके अक्रॉस है, कैपेसिटर के अक्रॉस, बहुत बढ़िया बच्चों। तो क्या लिखेंगे, क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू को क्या लिखेंगे यार, मैं तो भूल गया, शिट आई फॉरगॉट द प्रूविंग, व्हाट शुड आई राइट फॉर दिस, सी नॉट वी, सी वी, हां सी नॉट वी, सी नॉट हटो, वी इक्वल्स टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर नॉट सी नॉट। क्वेश्चंस आते हैं, सर दोनों में तो सेम ही फार्मूलाज आए हैं, कहां फार्मूला सेम आया जी, इसमें जो क्यू में था वो यहाँ पे आया है, कहाँ आया है, कहाँ आया सर, डिफरेंट ही है, उसमें जो आई में था वो यहाँ पे क्यू और वी में आया है, आया कहाँ है, नहीं सेम कहाँ आया है, सेम किसका आया है, सर सेम नहीं आया है, उसमें आई जो था वैसे ही निकला है ना यहाँ पे क्यू और वी का, इसीलिए तुम लोग याद रखो ना वो चीज, देखो प्लीज समझो ये चीज, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जाने से पहले तुम्हारे, नहीं तो तुम पक्का पता भूल जाओगे लास्ट तक। अच्छा आई का भी निकाल ही लेते हैं यार, आई का कितना आएगा, आई का आई थिंक सेम आएगा, आई का सेम आएगा, डिफरेंट आएगा ना, पिछले बार की तरह नहीं आएगा, निकाल के देख लो, मैं कह रहा हूँ सेम आएगा, कर लो डिफरेंशिएट, कितना टाइम लगता है, बस माइनस आ जाएगा इधर पे, माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय आर नॉट सी नॉट, कितना आ रहा है, आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट e टू द पावर माइनस टी बाय आर नॉट सी नॉट, आ रहा है, yes. आई होप कुछ कहीं गड़बड़ नहीं हो डिफरेंशिएशन में e टू द पावर माइनस माइनस, अरे यार इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखूं, मेरे को बच्चे कहेंगे सर माइनस लिखा था, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, एक क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे, देखो ये क्वेश्चन करो, कह रहा है द प्लेट्स ऑफ अ 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर चार्ज टू 400 माइक्रो कूलोम आर कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, फाइंड द चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर आफ्टर 1 सेकंड द कनेक्शन इज मेड। चार्जिंग का केस है, डिस्चार्जिंग का केस है भाइयों, दो दो जिया सलेहा शिल्पा सेजल, चार्जिंग का केस है, वाह बैटरी किस किस को दिख रही है यहाँ पे, बैटरी किस किस को दिख रही है यहाँ पे, डिस्चार्जिंग नहीं बैटरी किस किस को, मेरे को भी दिखाओ बैटरी, डिस्चार्जिंग का केस है बच्चों मेरे, इनिशियली उसपे कितना चार्ज है, 400 माइक्रो कूलोम 10 टू द पावर माइनस 6, टाउ कितना होगा यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना आएगा, तुम लोग बोलते नहीं हो तो मेरे को बहुत गुस्सा आती है पता है, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 2 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सर, टाइम कांस्टेंट है क्या, कई बार क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट ही पूछता है तुमसे खाली की टाइम कांस्टेंट बताओ, अब वैल्यू निकालो, क्या लिखेंगे, यूनिट, यस सर, हां सेकंड लिखो ना, क्यों नहीं लिखोगे यूनिट,
एसआई यूनिट में सब चीजें चल रही है तो सेकंड आएगा। चलो इधर अब क्या निकालना है तुम्हें, क्यू, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। अर्शी विच फॉर्मूला विल यूज, नहीं सर ये नहीं लगाएंगे, ये तो चार्जिंग का था, डिस्चार्जिंग का क्या था सर, यही लगाएंगे सर, यही लगाएंगे, लगाएंगे। क्या पूछ क्या रहा है, फाइंड द चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर, क्यू नॉट कितना दिया है भाई 400 10 टू द पावर माइनस 6 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है e टू द पावर माइनस t, कितना है t कितना है 1 सेकंड अपॉन tau कितना है 5, 10 टू द पावर 2 को ऊपर भेजो कितना हो गया 500 बाय 5 कितना हो गया तुम्हारा, सॉल्व कर लिया करो तो तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरा मेरी प्रैक्टिस कराते रहते तो तुम लोग पता मेरी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, तुम लोग को पढ़ाई पड़ा सच्ची धारा में मेरी आज तक नहीं हो पाई 5 साल में, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। कितनी दी गई की वैल्यू 2.1 × 10⁻⁹ कितना हो गया ये 9, 4, 13 आई थिंक कुछ गड़बड़ किया क्या आपने, 8.4 × 10⁻³⁰ ठीक है अच्छा एक और लास्ट चीज, लेकिन वो चीज 5 मिनट ले लेगी यार, है हिम्मत करोगे, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में किसी को इशू आई थिंक, देख लो ना मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें कहीं गड़बड़ करी है, ये समझ आ गया ऐसा क्यों लग रहा है कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है हम लोग ने, चलो एनीवेज देखता हूँ बाद में। ये क्वेश्चन देखो इसमें टाइम कॉन्स्टेंट पूछ रहा है तुमसे निकालने को, कैसे निकालेंगे टाइम कॉन्स्टेंट, एक और बार टाइम कॉन्स्टेंट निकलवा दो फिर चले जाने का, ठीक है चलो निकलवाओ जल्दी जल्दी निकलवाना, कैसे निकालेंगे टाइम कॉन्स्टेंट सर, केवीएल लगा के, कैसे केवीएल आर इनटू सी, किसी ने सही बोला अर्शी, कैसे पता आर इनटू सी, हाउ यू नो सर, टाउ तो ऐसे ही निकालते हैं आर इनटू सी सर, आपने अभी बताया था आर, पता है तुम इधर कितना है सर, आर इक्विवेलेंट निकाल के, हाँ निकालो आर इक्विवेलेंट, ऐसे नहीं करते हैं, देखो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, बट शॉर्ट ट्रिक किसे मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं डायरेक्ट या पहले तुम्हें लॉन्ग ट्रिक से बताऊं कि आरसी आएगा फिर मैं शॉर्ट ट्रिक से तुम्हें बताऊं कि आरसी आएगा, क्या करा सर, पहले लॉन्ग ट्रिक उसके बाद शॉर्ट, ठीक है तो लॉन्ग ट्रिक देखो, लॉन्ग ट्रिक क्या बोलती है, लॉन्ग ट्रिक बोलती है करंट मानो, इधर मानो आई, इधर मानो आई, इधर कितना मानो आई वन, इधर कितना मानो I माइनस आई वन, इधर मानो आई वन, इधर मानो आई वन। अब अच्छा मैं अगर बोलूं तुम लोग से कि मैं इस लूप में लगा लेता हूं क्योंकि ये टफ है केवीएल, क्या तुम मेरे लिए इस लूप में केवीएल लगा लोगे, कि दोनों में मैं लगाऊंगा, दोनों में मैं लगाऊंगा, मेरे को पूरा भरोसा है। चलो पहले वाले लूप में केवीएल लगाते हैं, बोलते जाओ, अच्छा दिख रहा है नहीं दिख पा रहा डायग्राम, अभी दिख रहा है, चलो मैं लगा रहा हूँ, बोला पहले वाले लूप में लगवाओ केवीएल में लगा रहा, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, पता नहीं बोलते क्यों नहीं है तुम लोग यार, खुद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे करते तुम लोग, तो इतना सिंपल सा है वो भी, ऐसे कुछ आ रहा है अरे यार देखो इधर से इधर जाओगे कितने का गेन E का, इधर से इधर करंट की डायरेक्शन में I माइनस I1 इनटू 2R लॉस, तो ये दोनों बराबर हो गए, दूसरे लूप में लगाओ तो देखो क्या आ रहा है, बता जल्दी अर्शी, दूसरे लूप में इधर से इधर जाएगी तो गेन होगा या लॉस होगा, इधर से इधर जाने में करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट मतलब गेन, कितना गेन 2R इनटू I माइनस I1 का गेन,
इसका इधर से इधर पे कितना करंट की डायरेक्शन में लॉस, कितने का लॉस, माइनस आर आई वन का लॉस, यहां से यहां पे जा रहे हो तो करंट तुमने ऐसा माना है, तो तुम क्या बोलोगे कि ये है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तुमको लॉस मिल रहा है कितने का, क्यू बाय सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो जीरो. लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर, इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर रख देते हैं डायरेक्ट, काम ही खत्म हो जाए इसका. तो एप्साइलन माइनस आर आई वन माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू जीरो. अब यहां मुझे आई वन को चेंज नहीं करना, बिकॉज आई वन की वजह से ही जो होगा वो पोटेंशियल चेंज होगा, आई वन की वजह से ही कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा होगा, सो आई डोंट हैव टू चेंज द आई, मैं आई को भी कभी चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, आई वन के टर्म में ही लिखूंगा मैं जो चीज लिखूंगा इधर, क्यों, क्योंकि आई वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर इन दिस केस, चार्जिंग ऑब्वियसली. तो अब आई वन वाली बस चीजें हैं, बस इसको क्या करोगे, देखो इधर ऐसा लिख लो पहले तो माइनस आर आई, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते इसको माइनस क्यू बाय सी इक्वल्स टू आर आई वन. अब इसको क्या लिखते हैं अपन, आर से डिवाइड कराओ इसको, माइनस क्यू बाय सी आर, इसको क्या लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, ऐसा लिखते हैं, नहीं सलोनी फाइव आर सी नहीं आना चाहिए बच्चा, यही आना चाहिए आर इंटू सी ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मतलब या तो मैंने गड़बड़ कर दी गई या तुमने, देखो सी आर एल सी एम जो लिया था बिल्कुल वही सब चीजें हैं जो भी करके आए हो, इधर पे कितना आएगा सी इंटू एप्साइलन ये वी, इधर पे कितना आएगा क्यू इक्वल टू कितना डी क्यू अपॉन डी टी, यही तो करके आए हो यार अभी, पूरा सेम इक्वेशन नहीं आ रही है, देखो आ रही है नहीं आ रही है, और ये सी क्या है मैक्सिमम चार्ज नहीं है क्यू, क्यू नॉट है या नहीं है, तो वन अपॉन आर सी डी टी, वन अपॉन आर सी डी टी कितना आ जाएगा वन अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू डी क्यू, सेम इक्वेशन तुमने अभी सॉल्व नहीं करी मेरे साथ, बोलो यस सर. सो ऑल इन ऑल देखो अपने को बस एक, अब इसके आगे मत करना, अभी ये क्वेश्चन सेम सॉल्व करके आयो, अगर यहाँ आरसी के बाजू में कुछ और आ रहा होता टू थ्री फोर फाइव कुछ भी टर्म आ रहा होता तो तुम्हारे साथ क्या होता टाऊ का टर्म बदल जाता, बट यहाँ पे आरसी आ रहा है तो तुम्हें पता है डायरेक्ट की क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट वन माइनस ए टू द पावर माइनस टाऊ बाय आरसी आएगा, अगर आरसी के साथ कुछ मल्टीप्लाई में होता तो वो इधर पे आ रहा होता जो कि है नहीं, तो यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट की कितनी वैल्यू आई है आरसी ही आई है. अब ये चीज कैसे करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे जल्दी से, उसके बाद घर जाएंगे. देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि कभी भी तुम्हें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया जाए और जैसा अर्शी ने बोला नो डाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट करके, तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस किसके, ये याद कर लेना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across what capacitor by short circuiting the battery, क्या करके मेरे को अभी तुम्हें पता है क्या क्या मैंने सोचा था, टाइम बचेगा मैं तुम्हें थेल्विन थ्योरम पढ़ाऊंगा, नॉर्टन थ्योरम पढ़ाऊंगा, स्टार डेल्टा फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, पढ़ाए सब कभी तुम लोग ने, सब एडवांस लेवल चीजें हैं, याद करनी पड़ती जैसे ये, अब तुम्हें याद करना पड़ेगा कि हाँ कभी ऐसे सर्किट आए तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बाय शॉर्ट सर्किटिंग द बैटरी, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके करना पड़ेगा. तो जैसे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से, तो तुम्हें उस डायग्राम को क्योंकि नोट्स में तुम यूज कर लोगे, नेक्स्ट टाइम से फिर अपन स्टार्ट कर देंगे वो क्या चीज, बहुत हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोर हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तुम लोग को नहीं होंगे पढ़ते पढ़ते, बैटरी को क्या कर दो शॉर्ट सर्किट, देखा जी मैंने बैटरी को क्या कर दिया डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर दिया है, यस सर, ये लगा कैपेसिटर तुम्हारा, ये 2R ये R, बताओ भाई इसके अक्रॉस नेट रेजिस्टर कितना है, नेट रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इसके अक्रॉस बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना है, आर, रुक जाओ इन लोग को करने दो एक बार सॉल्व, आर है मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी हम लोग ने कहीं, ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में, 2R और R पैरेलल में है सीरीज में, अनास दिव्या कम ऑन जिया महक मयंक बहुत बढ़िया सलेहा, ये देखो स्तुति पैरेलल कह रही, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है शिल्पा तान्या सौरभ, व्हाट्स योर ओपिनियन गाइस,
गिव योर ओपिनियंस देखो डिस्कशन करो एटलीस्ट, तो मुझे पता चलेगा कि तुम लोग कुछ चीजें ठीक समझ में नहीं आ रही, बट मजा तो आ रही पढ़ने में। पैरेलल में या सीरीज में? ये सीरीज में। ओके सो अकॉर्डिंग टू यू इट शुड बी 3 आर एंड अकॉर्डिंग टू स्तुति इट शुड बी कितना 3/4 आर। मेरे को किसी ने आंसर बताया था उसका थोड़ा सा गलत था, सलोनी का गलत था। सलोनी समझ में आया ना अभी? कैसे आया बच्चा? देखो मेरी बात समझो मेरे बच्चों, किसके अक्रॉस तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये तो क्वेश्चन किसका था, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं, मत देखो रजिस्टर को, कैपेसिटर मत देखो, यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं, तब बता पाओगे इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है? मत देखो कैपेसिटर, इसके करंट करंट 2R के थ्रू जाएगा या बाईपास भी कर सकता है? बाईपास करेगा, 2R से क्यों जाएगा करंट? कभी भी ऐसा हो याद रखना यहाँ पे बेटा, एक बात तुम लोग सोचो, इस 2R का कोई लॉजिक है? जब ये वायर से जुड़ गया है तो जो इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल, जब ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? तो रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज में, पैरेलल में सर, डबल पैरेलल में सर, डबल सीरीज में। ठीक है, आई होप तुमको चीजें समझ में आई हो। इट्स क्वाइट अ लेंथी सेशन किया हमने, खाली कितनी 8 स्लाइड है, मेरा तो 8 से बड़ी बायो में तुम 30-40 स्लाइड कर लेते हो। मेरे नोट्स देखते हैं लोग, कहते हैं सर यू आर ओनली टीचिंग 7 स्लाइड। सर अभी रेजिस्टेंस ही निकला है, वो टाउ नहीं निकला। अरे टाउ तो आ गया ना रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो तो अभी अर्शी ने बताया ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू सी, आर इनटू सी कर दो। देखो इसके कुछ क्वेश्चंस थे, मैं कुछ अच्छे मस्त मस्त क्वेश्चन लाया था यार कराने के लिए आज, ये मैं तुम लोग को भेजूंगा, इसको प्लीज 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 ट्राई कर लेना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है,